बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ ग्रेड 5 मैथमेटिक्स। आई एम हेयर फ्रॉम एक्यू खान स्कूल सिस्टम वाकेंड। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द रिवीजन लेक्चर ऑफ योर सिलेबस। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट नंबर्स एंड नंबर्स। टूडे वी विल डिस्कस डिमैस रूल, बी ऑफ डिमैस एंड HCF। ठीक है, कल हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको रिवाइज करवाया था। आज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी डिमैस रूल एंड बी ऑफ डिमैस रूल एंड HCF। सो आप लोगों ने केयरफुली वीडियो को सुनना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, जस्ट बेसिक रूल्स बताऊंगी जिसको आप अगर अपने माइंड में रखेंगे आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 17। ओपन योर बुक पेज नंबर 17। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू सी दैट वी हैव द क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट, जिसमें आपके ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। आई हैव 1, 2, 3, 4 ऑपरेटर्स, मेरे पास यहाँ पे 4 ऑपरेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से ऑपरेटर को परफॉर्म करना है? तो यहाँ पे 1, 2, 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन में सब्ट्रैक्शन हुई है, सेकंड डिवाइड हुआ है, थर्ड मल्टीप्लाई हुआ है एंड फोर्थ में ऐड। इसी तरह सेकंड सॉल्यूशन में ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट हुआ है, थर्ड में डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हुई है। अगर आप देखें तो इन तीनों के आंसर्स डिफरेंट हैं। तो इसका हमारे पास, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रूल यूज़ होता है वो कहलाता है डिमैस रूल। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस रूल ऑफ कन्वेंशन मेक इट इज सिंपलर फॉर अस टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। वी कॉल इट सिंप्लीफिकेशन रूल। वॉट इज इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन रूल। टू रिमेंबर डिमैस, अगर आप डिमैस की एब्रिवेशन याद करना चाहते हैं या अगर आप भूल जाएँ कि पहले एम आता है या ए आता है या डी आता है या एस, तो आप इस तरह याद करते हैं। डू म्यूजिशंस ऑलवेज सिंग? डी फॉर डिमैस, डिमैस का डी, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद है बी ऑफ डिमैस रूल। इसमें आपके पास क्या आ जाता है कि आपकी ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी और उसके बाद ऑपरेटर्स परफॉर्म होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2+1=3 एंड देन आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हेयर आई यू हैव सम एग्जांपल्स। बी ऑफ डिमैस रूल, 8 3 24, और उसके बाद जो ब्रैकेट से बाहर ऑपरेटर और नंबर मौजूद है आपने वो परफॉर्म किया, योर आंसर विल बी 28। इसी तरह आप देखें 9 - 3 = 6, पहले ब्रैकेट सॉल्व हुई है और उसके बाद जो है आपका ऑपरेटर परफॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें 8 - 1 = 7, 1 × 7, सब जगह देखें आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया गया और उसके बाद ऑपरेटर को सॉल्व किया गया। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखें, इसमें हमारे पास देखें मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन, डिमैस में पहले क्या है एम और उसके बाद ए, तो आप एडिशन वाला ऑपरेटर पहले परफॉर्म करोगे और उसके बाद एडिशन। 4 2 8, 8+1 9, और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन डिमैस रूल के और बी ऑफ डिमैस रूल के परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हो गए हैं। उसके बाद है आपका HCF, वेरी सिंपल। HCF स्टैंड्स फॉर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपके पास जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा आप उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी, आपके पास प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। आपके पास 56, 140 और 63 थ्री नंबर्स थे, आपने इसको ब्रेक डाउन किया, 56 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाले एंड 63 के फैक्टर्स निकाले। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, हाइएस्ट कॉमन क्या है, 7, तो आपने आपका HCF क्या आएगा, 7। यस, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7। अब अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें, आप 70, 98, 154। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखें आपके पास इन तीनों में एक ही नंबर कॉमन है। ठीक है, आपके पास दो नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, अगर दो नंबर कॉमन होंगे तब आप क्या करेंगे, लेट्स सी। आपने ब्रेक डाउन किया 70, 98, 154, आपने प्राइम फैक्टर्स लिए 70 के, 98 के एंड 154 के, तीनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आप देखें पहले 2 भी दोनों में, तीनों में कॉमन है और 7 भी
तीनों में कॉमन है, तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, 2 7 14। आप इन दोनों को जो कॉमन फैक्टर्स हैं आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हो सकता है ये 2 से ज़्यादा भी हो, 3 भी हो, तो आप तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द डेमास रूल एंड व्यू ऑफ डेमास रूल एंड HCF। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको असेसमेंट वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। जितनी ब्लैंक्स हैं, जितने MCQs हैं, आपने उन सबको सॉल्व करना है, उन सबको याद करना है, ठीक है। असेसमेंट बहुत इजी होगी, परेशान नहीं होना, आपने अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है केयरफुली, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।